Yo, what's up guys, Jordan Gamer here. Mera naam hai Franklin. Welcome back to another gameplay video of GTA 5. So guys, pichle episode mein to aap logon ne dekh hi liya hoga Franklin ke 4 cute and most powerful secret dogs hum logon ne aap logon ko dikhaya tha. Wo kyun dikhaya tha guys? Kyunki hum logon ko bodybuilder mafia ne kal challenge kar diya tha pichle episode mein, jab hum log guys Simeon ke paas premium motor deluxe sports pe apni luxury car ko delivery lene gaye the. Theek hai, to abhi ye kya scene hai bhai yahan par? ओ तेरी भाई, ये क्या सीन हो गया यार यहाँ पर? बैंकर, आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो यार, एक बंदा लेटा हुआ है, तो ये भी मरा पड़ा हुआ है. ये गाइस मेरे ख्याल से बेलास गैंग का मेंबर है भाई ये तो, और लगता है गाइस ये मेरे से कोई मैसेज देना चाहती है. गाइस यहीं पर कल वो ग्रीन वाली कलर की कार हमने यहाँ पे खड़ी की थी, लेकिन गाइस आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो, उन्होंने गाइस अपनी कार जो है रिप्लेस कर दी है. और यहाँ पर गाइस मुझे जो है काफी ज्यादा पर्सनली गुस्सा आ रहा है, और ये यहाँ पर लगातार फोन दबाई जा रही है. अभी मैं इसको बताता हूँ अच्छी तरीके से. बेटा निकल जाए यहाँ से वरना मार दूंगा. और वैसे भी दोस्तों मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ ही रहा है, क्योंकि गाइस मैंने कल जो है कार को तो बाय कर ली थी, अपने घर पे भी लेके आ गया था, लेकिन बेफालतू में मेरे को वो चैलेंज जो है एक्सेप्ट करना पड़ गया था. ठीक है, अब गाइस उसने बोला था कि भाई मेरे पास जो है 5 सुपर अच्छे से डॉग्स हैं, तुम्हें जो है फाइट करनी हो तो प्लीज तुम चैलेंज को एक्सेप्ट करो, अगर जीतते हो तो कार तुम्हारी और नहीं जीतते हो तो कार हमारी हो जाएगी. ठीक है, तो फाइनली प्रीमियम मोटर डिलक्स स्पोर्ट्स पे डील ये हो गई थी गाइस, क्योंकि वो जो बॉडी बिल्डर माफिया है उसने पहले ही वो कार बुक कर ली थी एक तरह से सीमियन से, लेकिन सीमियन पागल ने, मैंने जब उसे पैसे दिए तो उसकी आंखें भाई एकदम से चकाचौंध हो गई, और वो भाई एक तरह से बोल ही नहीं पाया कि भाई मैंने जो है इस वाली कार को पहले से ही बुक करके रखा है. उसने डायरेक्ट दोस्तों जो है मेरे से बात कर ली, और मेरे को भाई पेमेंट भी ले ली मेरी, और यहाँ पर दोस्तों उसने जो है मेरे को वो कार सेल कर दी थी. ठीक है, अब यहाँ पर गाइस बात ये हुई थी, जब मैं लेने आया तो वहाँ पे बॉडी बिल्डर माफिया भी लेने आ गया, और वही पिछले एपिसोड में गाइस हम लोगों से बातचीत हो गई थी, और हम लोगों ने भाई उसमें जो है कॉम्पिटिशन रख लिया था. तो वो कॉम्पिटिशन गाइस जो है लेमार ने भाई एक्सेप्ट भी कर लिया है, और लेमार बोलता कि भाई पाँचों को मैं ट्रेन कर दूंगा, और मैं तुम्हें मिलता हूँ डायरेक्ट डेविन वेस्टन के हैंगर पे, जो कि गाइस एयरपोर्ट पे है. ठीक है, तो लॉस एंटोस को जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहीं पर गाइस हम लोग की जो है फाइट होने वाली है. रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, लेकिन गाइस वो ओपन हो चुका है, बिकॉज दोस्तों वहां पर जो है बहुत तगड़ा माफिया आ चुका है. तो ये देखो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, बातें करते करते मैं आप सब लोग पहुंच चुका हूँ यहाँ पर ग्रोव स्ट्रीट पे, जो कि दोस्तों बेलास गैंग का मेंबर का एरिया है. यहाँ पे दोस्तों आपको बेलास का ओजी गैंग का बॉस भी मिल जाएगा. सारे के सारे बंदे हैं, सामने की तरफ में मेरी कार पार्क है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, और भाई लाडलों का सबका दोस्तों जो है यहाँ पर दोस्तों एक तरह से ना फोटोशूट चल रहा है. अभी इनको बताता हूँ बेटा. और ये क्या गाइस, मेरे आते यहाँ पर तहलका मच गया, आते तो भाई भागने लग गए, लेकिन गाइस फोटोशूट वाले जो है लगातार कंटिन्यूसली फोटो शूट ले जा रहे हैं. मिसाइल मैं गाइस यहां पर लॉन्च नहीं कर सकता हूं. अगर गाइस मैंने यहां पर मिसाइल लॉन्च कर दी, अबे भाई तेरे को नहीं मानना चाहता भाई, तू एक गोली घायल ले, आज मैं तेरे को नहीं बख्शूंगा. ठीक है, बहुत ज्यादा गुस्से में हूं मैं. बेटा निकल जाओ यहां से, वरना एक गोली मेरी जो है ड्यूल शॉट देती है और तुम भाई मर जाओगे फालतू में. तो यहाँ पर फाइनली गाइस मैं थोड़ा सा ना ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, ऊपर से मारता हूँ तो काफी अच्छा रहेगा. लेकिन ये क्या गाइस, जो डस्टबिन है वो गाइस मैं उससे फिसल चुका हूँ, और जहाँ पर इस कुत्ते ने गाइस मेरे ऊपर दोबारा से अटैक कर दिया है. तो ये गाइस ना बेलास गैंग अपने साथ हमेशा रॉटविलर डॉग्स रखते आए हुए हैं, लेकिन गाइस ये जो है कभी भी बाज नहीं आने वाले हैं. भाई मैंने कल अपनी बातचीत करके इतनी सही कार के डिलीवरी के पैसे भी दे दिए हैं, फिर भी गाइस हम लोगों को इसको अपने के लिए प्रूफ करना पड़ रहा है कि भाई ये वाली कार जो है हम लोगों को ऐसे भाड़े पे नहीं मिल गई है, हम लोगों ने अच्छे पैसे चुकाए हैं. आज अगर वो मैच मैं जीतता हूँ तो ये वाली कार जो है मेरी हो जाएगी. बस जस्ट मैं यहाँ से ये वाली कार लेके जा रहा हूँ, जो कि आप लोग देख पा रहे हो लाइम ग्रीन कलर के कलर में आती है, काफ़ी अच्छा मैग्निफिसेंट कलर है, जो कि दोस्तों लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस, एक तरह से जो ग्राउंड क्लियरेंस होता है नीचे से ऊपर तक का, वो बिल्कुल लो है, और यहाँ पर दोस्तों लॉस एंटोस की रोड में चलने के लिए बहुत ज़्यादा काबिल है. ठीक है, और यहाँ पर मैं आप लोगों को इसकी बेस्ट बात बता दूँ, यहाँ पर जो है डुअल शॉक वेव्स आप लोगों को पीछे मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है. आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, सारे के सारे एम्बुलेंस वालों को भी मार दूंगा, क्योंकि गाइस एम्बुलेंस वाले आते हैं, चेक करते हैं कि बंदा मर गया है या जिंदा है. अगर जिंदा होता है तो भाई ले जाते हैं, मर गया तो भाई उनको कोई मतलब ही नहीं है. अरे भाई तुम लोग पोस्टमार्टम के लिए तो लेके जाओ, उसको लेके जाओ, अगर जब इतना ही तुम अपनी जो सायरन बजा के आ जाते हो तो भाई इतना तो करना चाहिए, तो वो भी नहीं करते हैं वो लोग. ठीक है, इसलिए गाइस मैं एम्बुलेंस वालों को भी मार देता हूँ. अभी जल्दी से गाइस पीछे वाला शॉर्टकट से, जो कि गाइस डायरेक्ट पहुँचता है लॉस एंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहीं पर गाइस डेविन वेस्टन का हैंगर है. डेविन वेस्टन कौन है मैं आप लोगों को बता देता हूँ. डेविन वेस्टन अगर आप GTA 5 खेलेंगे तो ये एक मिशन में आता है,
जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है, और मतलब वो बंदा काफ़ी ज़्यादा अमीर रहता है, उसके पास लग्जरी कार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया रहती हैं, और मतलब उसके पास बहुत कुछ रहता है, और वो माइकल को उससे काफ़ी बढ़िया जेड टाइप कार भी स्टील करवाने के लिए बोलता है, ठीक है, विंटेज कार्स जो होती हैं वो भी स्टील कराने के लिए बोलता है। एंड में गाइज आप लोग देखोगे कि हम लोग उसे जो है मार देते हैं, और डेविन वेस्टन का जितना भी होता है सब कुछ हम लोग ले लेते हैं। तो उसी के नाम से गाइज उसका हैंगर यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम है डेविन वेस्टन, ठीक है। तो वो रहा गाइज उसका हैंगर, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर पा रहे होगे दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उसका प्राइवेट हैंगर है गाइज, वहाँ पर उसके पास प्राइवेट चैट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, और वहीं पर दोस्तों बॉडी बिल्डर माफिया का भी दोस्तों वहाँ पर जो है मैच होने वाला है। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कल से, कि भाई उसके कौन कौन से प्रीशियस डॉग होने वाले हैं जो कि दोस्तों हम लोगों से लड़ाई करेंगे। अब गाइज आप लोगों को भी पता होगा कि मेरे पास जो डॉग्स हैं वो भी कुछ कम नहीं है, हमारे पास है डॉग है, चॉप है, चॉप के बाद उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो स्कूबी। अभी एक बंदा यहाँ पर गिर गया है, और भाई यहाँ पर कोई भी वर्कर्स ध्यान में नहीं है, पता नहीं यार कहाँ चले गए सारे के सारे वर्कर्स, भाई इनको आराम से काम करना चाहिए यहाँ पर दोस्तों, मेरे को भी धीरे धीरे चलना चाहिए, नहीं तो गाइज मैं भी गिर जाऊँगा, ऊँचाई तो काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन गाइज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो एक बंदा यहाँ पर खड़ा है जो कि सिर्फ और सिर्फ देख रहा है, ना ही कुछ बता रहा है, क्यों भाई टकले कोई गिर गया तेरे सामने, तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रही, निकल यहाँ से, पता नहीं कर क्या रहा है बेटा, खड़े खड़े फ़ोन चला रहा है यहाँ पर, नीचे बंदा पटकी खा के गिर रहा है, और यहाँ पर दोस्तों ये जो है कुछ काम कर रहा है जिसके गाइज मैंने उसे बजा दिया है। तो गाइज ये रहे फाइनली बॉडी बिल्डर माफिया के, लेकिन ये तो चीटिंग है भाई, इसके पास माउंटेन लायन कहाँ से आ गया भाई, डॉग्स की बात हुई थी अनपढ़ आदमी, मेरे तो भाई पांच चार के चारों डॉग्स यहीं पर हैं भाई, तू जो है पांच डॉग्स और लेके आया हुआ है, और साथ में जो अपनी ये हाथी जैसी बॉडी बना रखी है उसका कुछ कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना भाई, देखते हैं आज क्या होता है। भाई माउंटेन लाइन की मैंने नहीं बोली थी कि भाई मेरे से माउंटेन लाइन नहीं, तो भाई मैं भी अपने जो डॉग्स हैं ना उनको भी अपग्रेड करा, चलो देखते हैं पहले डॉग की फ़ाइट स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे जो यहाँ पर मैं अभी शूट करूँगा उसके बाद जो है पहला राउंड हमारी फीमेल्स के बीच में होने वाला है, हस्की एंड स्कूबी। तो फाइनली चार से कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो हस्की एंड स्कूबी, यानी कि जो चॉप की गर्लफ्रेंड है जिसका हम लोगों ने शॉर्ट आउट के पहले नाम रखा था स्कूबी, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर गाइस स्कूबी जो है बार बार हस्की को मारते जा रही है। पहले गाइस आप लोग देख पा रहे हो हमारे पास भी हस्की की जो टेक्नो बाइक की हस्की थी उसकी भी गर्लफ्रेंड का नाम हम लोगों ने रखा था रॉक्सी, ठीक है आप लोग के कमेंट्स पे कहने पे, तो गाइस ये बिल्कुल रॉक्सी की तरह लग रही है। ओ भाई साहब क्या ही जलवे हैं आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, स्कूबी लगता है गाइस इसको रेलिंग के नीचे गिरा देगी, और ये काफ़ी इंटेंस मोमेंट होने वाला है। गाइस आप लोग देख पा रहे हो पटक पटक के स्कूबी जो है इसको नीचे फेंकने की कोशिश कर रही है, आखिर दोस्तों ये तो हाई है चॉप की गर्लफ्रेंड, और चॉप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डॉग इन GTA 5 गाइस आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, उससे ज़्यादा पावरफुल डॉग मैंने नहीं देखा, और गाइस पिटबुल भी आए थे जब मैंने दोस्तों पिटबुल को भी अपग्रेड किया था तो भी गाइस चॉप जो है जीत चुका था। और फिर भाई स्कूबी इसको गिरा के दम लेगी क्या भाई, आधा शरीर उसका जो है रेलिंग के उस पार जा चुका है, अब क्या गाइस ये जो है इसको नीचे गिरा पाएगी, इसको दिखाने के लिए गाइस मेरे को खुद जाना पड़ेगा, लेकिन ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है, अब आपको दिखाने के लिए मैं भी गिर जाता हूँ। भाई चलो दिखाता हूँ मैं गाइस आप लोग यहाँ पर, ओह भयंकर ये तो लटक रही है भाई, एक तो विक्रम बेताल जैसा लटक रही है भाई, इसकी पूरी टांग की टांग नीचे आ चुका, ओह भाई मूछ के बल नीचे गिरी है, और यहाँ पर सीधा स्कूबी ने जो है नॉकआउट कर दिया है। चलो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को दूसरी फाइट में, तो गाइस दूसरी फाइट हमारी फिर से स्टार्ट हो चुकी है जो कि बिटवीन चॉप एंड दोस्तों हस्की। अब जैसे आप लोगों को पता होगा फीमेल हस्की थी और हमारी स्कूबी थी, अब यहाँ पर दोस्तों फीमेल जो मेल हस्की है उसके बीच में, प्लस दोस्तों यहाँ पर एशियन हस्की जो होता है उसके बीच में यहाँ पे फाइट हो रही है। अब क्या चॉप भी गाइस इसको जो है नीचे गिरा देगा, वो भाई साहब मेरा धक्का लग गया, वो भाई नीचे गिर चुका है एक बार ये बाल फिर से, लेकिन गाइस ये क्या चॉप को लगता है भाई वो मरा नहीं है, वो नीचे जाके उसे मारेगा, तो सेकेंड वाली फाइट और ज़्यादा इंटेंस होने वाली है। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो वो रहा गाइस नीचे, दूसरा वाला जो एशियन हस्की है वो भाई ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, और चॉप भी ऊपर ही है, और ये क्या गाइस वो भयंकर चॉप ने वहीं से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक कर दिया है, जिसके कारण आप लोगों ने स्लो मोशन में देखा होगा भाई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक कर दिया है, उसकी भी ऑन द स्पॉट वहीं पर डेथ हो चुकी है भाई साहब, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। चल भाई चॉप ऊपर आ जा, मैं तेरे को बताता हूँ और किसके साथ लड़ना तेरे को। अब भाई वहाँ पे एक माउंटेन लायन है भाई, उस डॉग की तो भाई किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई से लड़ पाए, चलो एक बार पूछ लेते हैं भाई, अबे तू कहाँ भाग रहा है, इधर आ इधर बेटा भाग मत, यहाँ पर फाइट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस दोनों मेरे विनर्स जो हैं, जो कि भाई दोनों हस्बैंड एंड वाइफ वो जीत चुके हैं, माउंटेन लाइन की बारी आ चुकी है, जल्दी से गाइस मैं कुछ डिस्कशन कर लेता हूँ बॉडी बिल्डर माफिया से कि भाई कैसे करना है क्या करना है, दोनों डॉग बेच सकते हैं एक बार में नहीं बेच सकते हैं, तो जल्दी से ये सब क्लियर करता हूँ और फिर देखता हूँ गाइस कि दोनों डॉग्स हमारे माउंटेन लाइन को मार पाते हैं कि नहीं, जल्दी से बात करके आप लोगों को मिलता हूँ।
तो फाइनली गाइज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो बॉडी बिल्डर माफिया ने बिल्कुल हाँ बोल दिया है। तो चलो गाइज देखते हैं कैसी फाइट होती है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर पा रहे हो, जैसा कि मैंने सोचा था बहुत ज्यादा बेकार हुआ है यहाँ पर, ये भाई बहुत ही ज्यादा डरपोक माउंटेन लायन है। अब गाइज मेरे को इसलिए लग रहा है कि भाई बॉडी बिल्डर माफिया की लगता है कोई ना कोई तो चाल है, वो भाई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, उसके दो डॉग्स मारे जा चुके हैं और ये माउंटेन लायन तो काफी ज्यादा डरपोक है भाई, इसको कुत्ता भगा भगा के मार रहा है। आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर जो हमारा हस्की है वही गाइस इसे जो है भगा भगा के मार रहा है। अब भाई ये तो कितना तेज भागते जा रहे हैं, चलो मैं भी इनके पीछे भागता हूँ और देखता हूँ कि भाई ये कहाँ तक वहाँ पे जाते हैं। वैसे मेरे को लगता है कि मेरा जो हस्की है वो उसको अपने डायरेक्शन में मोड़ देगा, इसी हैंगर के डायरेक्शन में। अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो भाई ये लोग एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं और भाई पीछे हस्की है। मेन हंसने वाली बात ये है कि भाई पीछे कुत्ता पड़ा है और माउंटेन लायन भाग रहा है, भाई कितना डरपोक माउंटेन लायन है। अब भाई मैं भी हस्की की थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूं, तेरी है सीधे निकल यहां से। तो फाइनली गाइस आप लोग यहां पे देख पा रहे हो हम लोग तीन बैटल जीत चुके हैं, मेरे को तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है और कार अपनी ही होने वाली है। यस यस, ओबे ये क्या सीन है, ओबे ओ तेरी, ओ भाई साहब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो बॉडी बिल्डर माफिया भाई कार चुरा के ले गया, हद होगी भाई, मतलब ये उसका सीन था भाई, अपना पोपट कट चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पता नहीं वो कार कहाँ लेके जाएगा भाई, इतना गंदा पोपट किसी का नहीं कटा। सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर टिक कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, लव यू।